हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक दरबार। आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसी स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं जिसका रिस्क रिवॉर्ड 1:4 से लेके 1:6 तक का आपको मिलने वाला है और जिसका नाम है बुल कॉर्न। आप इस स्ट्रेटेजी को आयरन कॉर्नर का कजन भी यहाँ पे मानते हैं। 1:4 और 1:6 रिस्क रिवॉर्ड का मतलब है जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो होने वाला है वो मैक्सिमम लॉस से 4 गुना ज्यादा या 6 गुना ज्यादा यहाँ पे होने। ये स्ट्रेटेजी टोटल 4 ऑप्शन लेग से बनती है जिसमें से जो होंगे 2 सेल होंगे और जो होंगे 2 बाय। टोटल 4 बाइंग लेग से ये स्ट्रेटेजी बनती है। बुल कॉर्नर में हम लोग तब पैसा बना सकते हैं जब मार्केट में एक बुलिश सेंटिमेंट हो, कुछ ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो। तो चलिए जानते हैं इस स्ट्रेटेजी को हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अदरवाइज पिन कमेंट में भी मिल जाएगी। वहां से आपको स्टॉक दरबार 2.0 इस टेलीग्राम चैनल को फौरी तौर पे ज्वाइन कर लेना। इस स्ट्रेटेजी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर मैं यहां पे बात करूं तो इस स्ट्रेटेजी में जो है प्रॉफिट हम लोग बुलिश मार्केट में ही बना, और इसमें जो है लिमिटेड रिस्क और लिमिटेड रिवॉर्ड वाली ये स्ट्रेटेजी होने वाली है। रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे हमारा जो स्टॉक सिलेक्शन है, यानी कि आप इसे इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हो, इसे स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते, मगर मैं आपको इसे इंडेक्स में ट्रेड करने की सलाह यहाँ पे दे। और इस स्ट्रेटेजी में जो है वो स्ट्राइक सिलेक्शन जो है वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला। तो चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ हम लोग यहाँ पे समझ। फॉर एग्जांपल, अगर बैंक निफ्टी का एटीएम प्राइस या करंट मार्केट प्राइस 46,100 अगर चल रहा है तो उस वक्त हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट में एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम है या एक ब्रेकआउट मिला है। तो एग्जाम्पल के लिए ये हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं और आपको लगता है कि बैंक निफ्टी 46,000 से लेके 46,800 का जो लेवल है वहां तक जा सकता है और इस 46,800 के लेवल को एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर सकता है बैंक ने, तो उस सिनेरियो में आप लोग इसे इस ट्रेड को कुछ इस तरह से यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते। अगर आपका 46,800 यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के ऊपर और नीचे 100 पॉइंट ऊपर और नीचे आप यहाँ पे जो 2 सेल है वो यहाँ पे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, 46,700 का एक लॉट आप यहाँ पे सेल कर सकते हो और 46,900 का एक लॉट आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। और इन दोनों के प्रोटेक्शन के लिए आप यहाँ पे 200 पॉइंट दूर स्टेप 3 में 46,500 का कॉल यहाँ पे बाय कर सकते हो। इसके प्रोटेक्शन के लिए आप 200 पॉइंट दूर 47,100 का कॉल आप यहाँ पे बाय कर सकते। इतना करने से आपकी 4 लेग के साथ ये बुल कॉर्नर स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनके तैयार हो जाए। और नीचे भी 2-3 जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप इसे ब्रेकआउट के टाइम यूज कर सकते हो। लिमिटेड रिस्क है, एंट्री टाइम ब्रेकआउट टाइम ही होगा आपका, और जो आपका प्रॉफिट या रिस्क रिवॉर्ड जो होगा वो 1:6 से लेके 1:4 तक का आपका यहाँ पे प्रॉफिट या रिस्क रिवॉर्ड आपका इस स्ट्रेटेजी में हो। तो हम लोग अभी ऑप्शन ऑप्शन के वेबसाइट पे आ चुके हैं और मैं यहाँ पे आप लोगों को ये वाली स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से बना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 46,200 पे अभी बैंक निफ्टी, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका रेजिस्टेंस जो है वो 46,800 का होने वाला है तो उसके ऊपर नीचे वाले जो स्ट्राइक प्राइस उसे आप यहाँ पे सेल कर। इस केस में मैं 46,700 को यहाँ पे सेल कर रहा हूँ एक लॉट से, और 46,900 का जो कॉल है इसे मैं यहाँ पे और एक लॉट से सेल कर। इतना होने के बाद आप 46,700 जो आपने यहाँ पे सेल किया है उसके प्रोटेक्शन के लिए 200 पॉइंट दूर जाके 46,500 का जो कॉल ऑप्शन है इसे आप बाय कर लोगे, और जो आपने 46,900 वाला सेल किया हुआ उसके प्रोटेक्शन के लिए आप 47,100 वाला जो कॉल है इसे आप यहाँ पे एक लॉट से वापिस से बाय कर। इतना करने के बाद जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो आपको मार्जिन लगने वाला है ओनली 3,000 रुपीज का मार्जिन आपको यहाँ पे लगने वाला है, और इसका जो मैक्स प्रॉफिट है वो 2,500 रुपीज का मैक्स प्रॉफिट है, और मैक्स लॉस जो है वो ओनली 500 रुपीज का आपको यहाँ पे मैक्स लॉस। अगर आप इसका रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे तो आपको यहाँ पे 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर सिनेरियो में मिल रहा है। जो मैंने आपको बोला था कि 1:4 से लेके 1:6 जो आपके स्ट्राइक सिलेक्शन है उसके ऊपर टोटली ये डिपेंड होता है रिस्क रिवॉर्ड। तो इस तरह से आपको ये स्ट्रेटेजी बन के तैयार होती है और कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे
जो आपका प्रॉफिट जोन है वो लगभग 46,500 से लेके 47,000 के आसपास का जो आपका प्रॉफिट जोन है, लगभग 500 पॉइंट का आपका प्रॉफिट जोन है। मार्केट कभी भी आपके इन दोनों ग्रीन जोन के बीच में आपको अगर एक्सपायर कर देती है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला, सिर्फ और सिर्फ इसके नीचे और इसके ऊपर जब मार्केट चली जाएगी तभी आपको ये 500 रुपीज का मैक्स लॉस यहाँ पे होने वाला है, उससे ज्यादा आपका एक रुपए भी इस स्ट्रेटेजी में नहीं जाने। तो इस तरह से ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनके तैयार होती है और इस तरह से आपको यहाँ पे डिप्लॉय कर। तो आई होप आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी समझ में आई हो। अगर आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के प्रैक्टिस चाहिए, पर्टिकुलर ब्रेकआउट सिनेरियो में किस तरह से ये वर्क, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। इस स्ट्रेटेजी के बारे में अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो उसके रिगार्डिंग भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो, हर एक कमेंट का मैं यहाँ पे आपको आंसर देने की कोशिश। तो लास्टली जाते जाते और एक रिक्वेस्ट आपसे कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे हम लोग वीकली बेसिस हमारे जो वीकली आयरन प्लाई है जो लगभग 4% से लेके 5% वीकली यहाँ पे हमें जनरेट करके देती है, वो हम लोग यहाँ पे डेली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ मैं शेयर करता हूँ उसके एडजस्टमेंट और उसके सेटअप के। तो जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।